गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं राही और आप सब लोगों को स्वागत है मेरी न्यू व्लॉग में। और यहाँ पर मैं मेरी अदरक वाली चाय पी रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह आज मेरा सर थोड़ा बहुत दुख रहा था तो मैंने सोचा कि पीते हैं अदरक वाली चाय। आज हम लोग जाने वाले हैं शायनी दी के घर। मोना और मोना की बहन बस आती होंगी मेरे घर में तो मैं जल्दी से चाय पी लेती हूँ और फिर उसके बाद मुझे रेडी भी होना है। अभी हम लोग निकल गए हैं और मोना की बहन भी पहुंच गई है और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश की रही है तो मोना सबको हाय कह दो। हेलो हेलो तो फाइनली हम लोग शायनी दी के घर के पास में आ गए हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि शायनी दी कौन है। शायनी दी हैंडक्राफ्टेड ड्रेस डिज़ाइनर है। तो मुझे जब भी कोई ड्रेस बनानी होती है, डिज़ाइन करनी होती है कि ऐसा सिलवाना है तो शायनी दी के पास आती हूँ। तो चलिए आप लोगों को शायनी दी से मिलाते हैं। तो ये है शायनी दी। शायनी दी सबको हाय बोल दो। हेलो। तो शायनी दी के घर से निकलते ही हम लोगों को टोटो नहीं मिला था इसलिए हम मेन रोड पर भी चल के जा रहे हैं। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं। कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं। हम तो आज पास साथ थे मैं और रात साथ बात करे। अभी हम यहाँ पे रुके हैं, गन्ने का जूस पीना है। बाहर बहुत ज्यादा धूप था तो कुछ प्यास लगा था तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग साथ मिलके गन्ने का जूस पीते हैं। तो अभी इसको पियेंगे फिर घर चलेंगे। फाइनली हम लोग घर के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पे पता नहीं इन दोनों को क्या करना है। ए मत जा नीचे, देखने में अच्छा लग रहा है, उसके साथ नीचे चली जा और भी अच्छा लगेगा। अरे ऊपर आ ऊपर आ, करना क्या है? मैं देखने आई थी। तो पुलिस कर जाओ ना, इधर तो रेजा का डबे के बॉल डके उतरेगा नहीं। अभी मैं इन दोनों को छोड़ के आती हूँ वरना बेचारी छोटी सी बच्ची है घर नहीं जा पाएंगे। बच्ची हो क्या, इतनी बड़ी बच्ची बन के, छोटी बच्ची हो क्या तू? सच में बहुत बोल, मैं बन जाऊंगी छोटी बच्ची, घर पे आकर परेशान करूंगी तब देखना। तो चलो चलो सबको बाय कह दो, फिर से मिलेंगे। बाय। कल कितने बजे स्टडी है? 8:30 बजे उठ जाइयो। ठीक है चल तो फिर बाय बाय बिनी। मैं घर पे आ गई हूँ और आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। मेरी ख्याल से सभी ने अपनी बचपन में वो चीज़ एक बार ट्राई ज़रूर किया है तो उसी चीज़ को मैं फिर से ट्राई करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने वो चीज़ कैसे किया है। इसका जो लेयर है थोड़ा ज़्यादा थिक है और इसका पतला सा है, इसको और ज़्यादा ठीक बनाते हैं इसकी तरह। इसके लिए मुझे पानी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। पानी मैंने कम कर दिया है और दोबारा हम इसमें ऐड करें ऐसा बॉडी वॉश और शैम्पू मिला के इसको ठीक कर रही हूँ। तो ये काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। मैं इसको डालने वाली हूँ इस बॉटल पे क्योंकि बाहर तो मैं कप लेके जा नहीं सकती, मम्मी मुझे तोड़ देगी तो इस पर ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने मेरे लंच कंप्लीट कर लिया है और लंच कंप्लीट करने के बाद मैं आई हूँ बाहर क्योंकि आज मुझे दो चीज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना है। मैं जहाँ पे बैठी हूँ ये जो घास दिख रहे हैं आप लोग ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर इसके अंदर कोई पैर रखेगा ना तो ये ऐसे घुस जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पे बैठने में भी मज़ा भी आ रहा है मुझे। मैं आज ये दोनों चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, मतलब मैं देखने वाली हूँ जो मैंने मीला से ख़रीदा था और जो मैंने घर पर बनाया है तो किससे ज़्यादा बड़े बड़े बुलबुले होते हैं। पहले मैं इसको ट्राई करती हूँ कि इससे कितने अच्छे बुलबुले बनते हैं जो मैंने मीला से ख़रीदा था। तो ट्राई करूँ, घुस जा।
ये तो काफ़ी अच्छा था, मतलब बुलबुले अच्छे से बन रहे थे, बड़े बड़े भी बन रहे थे। अब मैं दूसरा देखती हूँ कैसा बनता है। इस पे ज़्यादा फोमिंग हो गई है। तो मैं इन दोनों को एक्सपेरिमेंट करके इसलिए देखना चाहती थी कि ये मैंने ख़रीदा था 10 रुपये में नीला से, और ये तो घर का बनाया हुआ है। तो दोनों में कोई अंतर मुझे इतनी ज़्यादा दिखी नहीं, दोनों सेम ही है, दोनों से सेम बुलबुले बनते हैं, बड़े छोटे सभी बनते हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये घूमता भी है, काफ़ी सुंदर है। तो बचपन में जब हम इसे बनाते थे शैम्पू और सोप को मिला के, तब भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं तक ही रखती हूँ, मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुद से प्यार करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हटो रे, ये इसको बनाने दे, ऐसा एक मेरा स्टैचू बनाया।